बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश में भले ही नई सरकार बन गई है, लेकिन वहां हिंसा अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश से कई हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर भारत आना चाहते हैं। बांग्लादेशी हिंदू परिवार भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आना चाहते हैं। बांग्लादेश के कूच बिहार में करीब 1000 बांग्लादेशी पानी में खड़े होकर बीएसएफ से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें भारत में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए। हजारों की तादाद में हिंदू समुदाय के लोग यहां एकजुट हैं। हिंदू समुदाय के लोग लगातार जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये सभी लोग भीड़ में खड़े हैं और बीएसएफ से भारत में एंट्री के लिए गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को सीमा के जीरो पॉइंट से 150 गज की दूरी पर बाढ़ पार करने से रोका गया है। बीएसएफ के जवान इन्हें वापस लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ भी अलर्ट है। बीएसएफ ने बताया कि अब तक भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों का ये सबसे बड़ा ग्रुप है। बीएसएफ कर्मियों ने इन लोगों को सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया है। सीमा पर नजर रखने की खातिर सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है। इससे बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं ने भारत सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है।